कविता दिवसनी एकदम मोड़ी सांजे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकरनी बहुत जाणीती कविता कृष्ण की चेतावनी। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम हम वहीं खुशी से खाएंगे परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साध मुझे हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझमें लय है यह देख पवन मुझमें लय है मुझमें विलीन जंकार सकल मुझमें लय है संसार सकल अमरत्व फूलता है मुझमें संहार झूलता है मुझमें। उदियाचल मेरा दत्त भाल भूमंडल वक्ष स्थल विशाल भूज परिधि बंध को घेरे हैं मैनाकू मेरु पग मेरे है दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर। दृघो तो दृश्य कांड देख मुझ में सारा ब्रह्मांड देख चर अचर जीव जग क्षर नक्षर नश्वर मनुष्य सूर जाति अमर शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश शतकोटि रुद्र शतकोटि काल शतकोटि दंडधर लोकपाल जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें हाँ हाँ दुर्योधन बांधी है। भूलोक अतल पाताल देख गत और अनागत काल देख यह देख जगत का आदि सृजन यह देख महाभारत का रण मृतकों से पटी हुई भू है पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख मुट्ठी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख सब जन्म मुझी में पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन सांसों में पाता जन्म पवन पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर मैं जभी मुंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन सुने को साध न सकता है वह मुझे बांध कहां सकता है। हित वचन तूने नहीं माना मैत्री का मूल्य न पहचाना तो ले मैं भी अब जाता हूं अंतिम संकल्प सुनाता हूं याचना नहीं अब रण होगा जीवन जय या की मरण होगा टकराएंगे नक्षत्र निकर बरसेगी भू पर वही प्रखर फणशेष नाग का डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे विश्वाण बुंद से छूटेंगे व्यस्त श्रृंगाल सुख लूटेंगे सौभाग्य मनुज के फूटेंगे आखिर तू भूषाई होगा हिंसा का पर दाई होगा। थी सभा सन सब लोग डरे चुप थे या थे बेहोश पड़े केवल दो नर न अघाते थे धृतराष्ट्र विदूर सुख पाते थे करजोड़ खड़े प्रमोदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अने एमनी अनेक कविताओ छे बहुत सुंदर रीते वर्णन कर्या छे पण कुरुक्षेत्रमां अने कुरुक्षेत्रनुं जे वर्णन छे कदाच सौथी अद्भुत वर्णन मने आ लागे छे ने एटला ज माटे कविता दिवसनी एकदम मोड़ी सांजे आ कविता तमारा माटे थैंक यू।